इनके स्टार्ट करने वाले हैं, उनका नाम हाजी बंदा हसन था, सहारनपुर से आए थे। तो वो 60 में आए थे, तो 60 में आने के बाद वो जामा मस्जिद में गए, वहाँ पे उन्होंने काम करा, काम सीखा। फिर वो 1972 में खान मार्केट में एक छोटा सा स्टॉल लगाया यहीं पर ही बीच। तो उन्होंने 3 ही 4 आइटम रखे उसमें, एक कबाब, रोल्स, टिक्का और ये सारी चीज़ें, रोटी, रुमाली रोटी के साथ रोटी में रैप करके दिया। तो वो काफ़ी फेमस हो गए एक किस्म में थोड़े से ही टाइम में। तो जितने भी कॉलेज के लड़के लड़के आते थे तो उनको खान चाचा बोलते थे, तो वहाँ से ही ये काफ़ी पॉपुलर होना चालू हुआ खान चाचा, जिसके नाम से ये हमने इसको, उन्होंने इसके नाम को यूज़ करा, खान चाचा कबाब खाना। आप हमारी दुकान में ही ये काम करो तो हम आपको जगह देते हैं। तो उन्होंने उनके साथ काम करा, काम थोड़े दिन काम करने के बाद तो उन्होंने उनको हटाना चाहा और उनका नाम यूज़ करना चाहा। काफ़ी टाइम खान चाचा जो था बंद रहा और कोर्ट में केस चला, तो कोर्ट में केस चलने के बाद ये बंदा हसन जो थे खान चाचा वो जीत गए केस। मतलब किसी को भी उनका नाम यूज़ करने की कोर्ट ने परमिशन नहीं दी, सिर्फ वो ही यूज़ कर सकते। उसके बाद चलते चलते काफ़ी उनके जो लड़के थे बड़े, मोहम्मद सलीम, उन्होंने ज्वाइन करा 2000 में उनके साथ। और फिर 2005 में उनके जो बड़े भाई हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने भी ज्वाइन करा इस चीज़ को। वो अपनी पढ़ाई पढ़ लेते तो पढ़ाई को जारी रखते हुए इसमें काम में दोनों अपने फादर का हाथ बटा लिया। 2010 में ही आउटलेट खुला और आउटलेट खुलने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी हुई, बिरयानी ऐड हुई, वेज में आइटम ऐड हुए और जो नाम पहले से ही पॉपुलर था वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे जितने भी क्रिकेटर, फिल्म स्टार, बहुत सारे सबकी फ़ोटो लगी, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं खाने के लिए। और देखते ही देखते ही आगे बढ़ता गया और आज माशाल्लाह हमारी 10 आउटलेट हैं, 2 गुड़गांव में और 8 जो हैं हमारी दिल्ली में। अभी हम और आउटलेट खोलने वाले हैं। जो ज़्यादा लोग जो जानते हैं कबाब रोल्स के नाम से ही जानते हैं, मतलब कि कबाब अच्छा मिलता है वहाँ, रोल अच्छा मिलता है, तो रोल ज़्यादातर रोल पसंद करते हैं लोग, चिकन टिक्का रोल, मटन काकोरी रोल। हमारा जो 10 आउटलेट को हमारी एक ही मेन किचन चलाता है, जहाँ से हमारा जो मटेरियल होता है वो हर जगह जाता है और उसको फिर हम ग्रिल करते हैं यहाँ पर। बाकी बिरयानी और ये सब वहीं से ही बन के आता है। हमारे दिन में 3 बारी गाड़ी आती है हमारे पास और उसको ही हम फॉलो करते हैं, जैसे जैसे हमारे पे काम ख़त्म हो जाता है तो हम मंगाते रहते हैं। यहाँ पे हमारा बस ग्रिल्ड होता है और कुछ नहीं बनता। मेन किचन हमारा ओखला है, तो काफ़ी बड़ा वहाँ पर मेन किचन है, वहाँ पे जितने भी शेफ़ हैं सारे वहीं पर ही हैं, वही सारी चीज़ें बनाते हैं, पुराने ज़माने के ही शेफ़ हैं।